Hi guys, I welcome you all to this session. और इस session में हम एक specific set of students के बारे में बात करेंगे. I'm going to talk about study strategy with the Life course specifically for all the three examinations, RBI, SEBI and NABARD. So if you are working through the live sessions, I mean that if you're studying through the live sessions, then this strategy is going to help you whether you're preparing for RBI, SEBI or NABARD examination. डोंट वरी, जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एक और स्ट्रैटेजी अलग से लेके आऊँगा, बट दैट आई वॉन्ट टू कीप इट एज अ सेपरेट सेशन, क्योंकि हमेशा हम लोग प्लानिंग में मिक्स करते हैं और फिर कन्फ्यूज जाते हैं कि ये वर्किंग के लिए, ये एनरोल्ड स्टूडेंट के लिए है या सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट के लिए. सो इट्स बेटर इफ़ यू टॉक अबाउट सेल्फ स्टडी स्टूडेंट सेपरेटली, तो उनके लिए मैं अलग सेशन क्रिएट कर रहा हूँ. बट इन दिस सेशन आई एम स्पेसिफिकली गोइंग टू टॉक अबाउट स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग थ्रू द लाइव क्लास, जो भी लाइव क्लास के थ्रू अलग से पढ़ रहे हैं, हमारे लाइव कोर्स के थ्रू अपना एक रूटीन बना रहे हैं. दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू स्पेसिफिकली फॉर देम. ओके, स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द एप्लीकेशन अ लॉट ऑफ टाइम्स. आई होप अब तक आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी एंड आई एम वेरी वेरी श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, ब्रीफली लेट अस लुक एट द टाइम टेबल. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आर बी एस सेबी और नबार्ड बोथ ऑल द थ्री एग्जाम्स हैव कम्प्लीटली गॉन लाइव. आई एम स्टार्टिंग विद मैनेजमेंट एंड ई एस आई फॉर आर बी आई एंड नबार्ड के लिए ए आर डी एंड ई एस आई बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू वर्क टुगेदर. फॉर सेबी कम्प्लीट पेपर टू इज बींग टॉट बाई चेतन सर एंड मैनेजमेंट इज बींग टॉट बाई पारुल मैम. जैसे ही मैनेजमेंट कम्प्लीट हो जाएगा फाइनेंस को हम पिकअप कर लेंगे. ओके, so this is in brief how we are going to cover. Now before talking about how you are going to cover everything using the live course, it's very important to understand ki importance kya hai live course ki. ab live course ka jo pura pura idea tha wo hamare dimag mein, specifically mere dimag mein tab aaya when I took some courses on my own. chote chote short term courses maine kuch liye और मुझे रियलाइज़ हुआ उन कोर्सेज़ को लेने के बाद दैट आई वॉज़ एबल टू कम्प्लीट द लाइव कोर्सेज. मैंने एक मेडिसिन का लाइव कोर्स लिया था, आई वॉज़ एबल टू कम्प्लीट दैट. एक फिटनेस का लिया था, आई वॉज़ एबल टू कम्प्लीट दैट ऑन टाइम बिकॉज वो लाइव था. वीक में दो तीन दिन बैठते थे तो आई वॉज़ बींग फोर्स्ड बाय द टीचर देयर कि आप आओ बैठो, रिमाइंडर आता था तो मैं किसी ना किसी तरह टाइम निकाल के वहाँ बैठ जाता. आई वुड कीप दैट एज माई प्रायोरिटी फॉर दैट टाइम पीरियड. सो इट वॉज़ पॉसिबल and it did bring a change, it did help me in the after the course as well. but kuch courses maine aise liye jo ki bahut acche the but they were recorded aur unhone mere ko bataya jaise hum aapko batate hain. they told me every morning 10 minutes is all you need, that's what you need to take out and I was very excited about it. I wanted to do it but I was not able to keep pace. okay, after 5-10 days of irregularity I just gave up. And that app is still there in my phone, but I don't use it anymore. वो पैसे मैंने waste कर दिए. That is what has been happening with a lot of my students also. और हम लोग सोचते थे कि student पढ़ना नहीं चाहता है, but मुझे realize हुआ कि पढ़ता नहीं है student, इतना ज़्यादा disciplined नहीं है. but I realized that none of us can be that disciplined. it's just not possible. okay. and that's when I realized the importance of regularity. और regularity से आता निकल के आया live class. बिकॉज आई फेल्ट कि अगर मैं खुद एज अ टीचर आई एम नॉट एबल टू कम्प्लीट अ रिकॉर्डेड क्लास, देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट टू कम्प्लीट इट. जबकि जो मैं आपको कोर्स दे रहा हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इट्स ऑलरेडी सो एक्सपेंसिव, इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो खुद कवर कर पाओ विदाउट माई रेगुलर पुश. तो इसलिए ये लाइव क्लास का जो पूरा सिलसिला था, एवरीथिंग अबाउट लाइव क्लास स्टार्टेड. सो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और शुड आई से इंडियनाइज इट एंड से दैट ताजमहल वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. सिमिलर टू दैट, योर सक्सेस कैन नॉट बी बिल्ड ओवर इन अ डे, इट नीड्स कंसिस्टेंट रेगुलर एफर्ट्स एंड फॉर दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज ऑन बोथ ऑफ अस. जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है एंड देयरफॉर द लाइव सेशंस. लाइव सेशंस विल प्रोवाइड यू रेगुलरिटी, दैट्स द ऑब्जेक्टिव. Use it. Use that regularity. Make it your strength. Do not let it be your weakness. It will also give you an opportunity to ask doubts. Use that opportunity. Because अभी क्या होता है, students telegram पे doubts पूछते हैं. एक हमने discussion forum बनाया है which is very organized और बहुत
क्लियर हो रहा है उससे बहुत सारी चीज़ें क्लटर्स हम लोग क्लियर कर पा रहे हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टेक्स्ट फॉर्मैट. आपने डाउट पूछा, यू आस्क डाउट एंड इट टेक्स मी अबाउट 24 hours 48 hours समटाइम्स टू क्लियर दैट डाउट. बाय दैट टाइम यू प्रॉब्ली लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट डाउट इट्सेल्फ. होता है ओके और इंटरेस्ट भी रहेगा तो इट्स टेकिंग टू लॉन्ग. इट शुड नॉट टेक दैट लॉन्ग. जैसे ही आपके दिमाग में डाउट आया आप पूछो और मैं आपको बताऊँ. आप पूछो और मुझे नहीं पता है तो मैं पढ़ूँ और मैं आपको बताऊँ. दैट शुड बी द मोड ऑफ स्टडीज. क्योंकि टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है दैट शुड नॉट बी सो डिजिटल एंड सो वर्चुअल दैट यू लूज टच विद ईच अदर. ओके और वहाँ पे डाउट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है. आई शुड नो अबाउट इट एंड वी शुड डिस्कस अबाउट दैट. नो एन्जाइटी एट द एंड ओनली कॉन्फिडेंस. देखो लाइव में जब आप एक घंटे बैठते हो ना तो आपको एक घंटे के बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है. ओके दिस इज़ वॉट आई हैव कवर्ड टूडे. आई एम गोइंग टू हैव अ गुड नाइट स्लीप बिकॉज आई थिंक आई हैव डन माई पार्ट. आई थिंक आई हैव यूज माई डे टू माई मैक्सिमम केपेबिलिटी. दैट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट काइंड ऑफ यू नो कम्फर्ट दैट यू गेट आफ्टर कम्प्लीटिंग समथिंग ऑन टाइम दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. वो नहीं होता है तो आपके अंदर एन्जाइटी आएगी एंड दैट्स वॉट हैपन्स वेन दी सेशंस आर नॉट लाइव. क्योंकि आप एक दिन पढ़ते हो 4 घंटे उसके बाद 2-3 दिन ब्रेक लग जाता है देन दी एन्जाइटी क्रीप्स इन एंड देन यू वॉन्ट टू कवर अ लॉट और फिर वो कुछ भी नहीं होता है. देन इट्स अ बिग खिचड़ी. ओके एंड देयरफॉर लाइव क्लास इज बाउंड टू गिव यू मोर मेंटल पीस. सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव हेयर. अब उस ऑब्जेक्टिव को पकड़ के आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट अप्रिशिएट इट. उस ऑब्जेक्टिव को पकड़ के मैं आपको बताता हूँ. लेट मी टेल यू हाउ एग्जैक्टली शुड यू स्ट्रैटेजाइज योर स्टडीज अलॉन्ग विद द लाइव क्लासेस. ओके लेट्स स्टार्ट विद आरबीआई अचीवर्स. आई डोंट वॉन्ट टू कॉल यू एस्पिरेंट्स. आई वॉन्ट टू कॉल यू अचीवर्स वेदर यू आर प्रिपेरिंग फॉर आरबीआई सेबी और नाबार्ड. आरबीआई से स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट विद ईएसआई एंड मैनेजमेंट फॉर फेज टू. वी आर स्टार्टिंग विद दिस फ्रॉम 15th July. मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे डेडिकेटेड टू ईएसआई एंड मैनेजमेंट. 8 AM मैनेजमेंट 8 PM ईएसआई. इस तरह से डिवाइड किया है. बहुत ईजी रहेगा आपके लिए. ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे यू हैव 3 more days. यू कैन ईदर कवर ईएसआई एंड मैनेजमेंट ऑन योर ओन इफ़ यू फील कि आपने कवर नहीं किया है जो मैंने आपको पढ़ाया है बिकॉज दैट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी. And if you're able to cover it on time in those 3 days, Monday, Wednesday and Friday, then you can cover either, then you can cover phase 1, quant या फिर reasoning या फिर दोनों कुछ भी आप उठा सकते हैं. So that gives you a lot of breather. आपको बहुत एक advantage मिलेगा. At the end of every week, you would be like, okay, I've studied so much. मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ पा रहा हूँ एक साथ जो आप खुद नहीं पढ़ पाओगे कभी भी. यहाँ पे in short, in 1 week, you're covering ESI, you're covering management, you're covering some part of phase 1 also for yourself. तो ये जो आपको sense of achievement आएगा that will be very useful. Current affairs कब करना है? This is a question that is normally asked by students. Office hours या फिर free time या फिर if you are a student then when you are exhausted in the evening that is when you cover current affairs. Try to cover it every day. If not every day then once at least per week. एक पूरा दिन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा. सेक्शनल टेस्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आप कवर करते जाओ मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देता जाऊंगा. अभी वाले स्टूडेंट्स के पास तो ऑलरेडी हैं और जो लाइव में चलेंगे उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट में डालता भी जाऊंगा. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग एटलीस्ट 1 test एवरी वीक. लेट्स से हमने 3 chapters कंप्लीट किए तो तीनों चैप्टर्स के आप खुद जो मैंने आपको टेस्ट दिए वो कंबाइन करें, प्रिंट आउट लें, कंबाइन करें, एक टेस्ट बनाएं. एनी वन एम दोज. ओके इस तरह से यू हैव टू टेक एटलीस्ट 1 test एवरी वीक. जुलाई टू दिसंबर आपको ये करना है. आफ्टर दिसंबर वेन वील हैव 2-3 months लेफ्ट फॉर द एग्जाम देन वी कैन क्रिएट अनदर स्ट्रैटेजी वेयर वी विल हैव कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट. बट जुलाई टू दिसंबर यू हैव टू फोकस ऑन सेक्शनल टेस्ट चाहे वो फेज 1 के हों चाहे फेज 2 के हों. ओके आंसर राइटिंग के लिए अगेन सेक्शनल टेस्ट नॉट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है अभी. सो व्हाटएवर चैप्टर्स आई एम गोइंग टू टीच यू मैं उसको आपको आंसर राइटिंग के सैम्पल क्वेश्चन सैम्पल आंसर्स भी दूंगा. यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग सेक्शनल टेस्ट फॉर आंसर राइटिंग एज वेल. लेट्स से 3 chapters किए, तीनों चैप्टर्स के मैंने 3-3 questions दिए, टोटल ऑफ 9 questions. यू कंबाइन दोज 9 questions, क्रिएट अ टेस्ट एंड राइट इट इन लेट्स से 2-3 hours. इस तरह से यू कैन क्रिएट योर ओन टेस्ट. एटलीस्ट 1 test एवरी वीक यू हैव टू राइट. ओके लेट्स नाउ टॉक अबाउट सेबी अचीवर्स. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी एग्जामिनेशन तो आपके पास 6-7 महीने हैं अभी मिनिमम. हाउ डू यू प्रिपेयर? पेपर 2 मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे अलॉन्ग विद चेतन सर. जो भी आपको करा रहे हैं वो आपको करना है. यू कैन नॉट स्किप इट, यू कैन नॉट डिले इट, यू कैन नॉट पोस्टपोन इट.
दैट इज़ द बेस्ट वे फॉर यू टू स्टे ऑन टारगेट, ठीक है ना। पेपर वन QREGK, मतलब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश GK, वन डे पर वीक इज इनफ। सैटरडे आई वुड रिकमेंड। वाई वन डे पर वीक? बिकॉज ये क्वालिफाइंग है और इसका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सो यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। रिमेंबर आई टॉक्ड अबाउट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सो यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन थिंग्स दैट यू नो और सब्जेक्ट्स दैट यू नो आर गोइंग टू गिव यू सम रिजल्ट्स। अगर कोई सब्जेक्ट आपको पता है, आई स्टडीज अ लॉट, इवन देन आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट, देन वाई एम आई स्टार्टिंग इट। सो वट एवर यू स्टडी, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट दिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एज वेल। सो पेपर वन क्वांट रीजनिंग इंग्लिश GK, वन डे पर वीक, रिकमेंडेड सैटरडे बिकॉज ज़्यादा फ्री होते हैं, यू कैन कवर मोर। ट्यूजडे एंड थर्सडे पेपर टू एक्टिव रिविजन। नाउ ट्यूजडे और थर्सडे इन दो दिन में आपको मैनेजमेंट भी कवर करना होगा, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वन सेकेंड, नो मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे। हाँ, तो आपका देखो यहाँ से क्लियर हो गया। सो वट हैपन्स हेयर इज पेपर टू मंडे वेंसडे फ्राइडे चल रहा है, मैनेजमेंट भी मंडे वेंसडे फ्राइडे चल रहा है, तो आपको ट्यूजडे थर्सडे आपका कंप्लीटली फ्री है। सो ऑन ट्यूजडे एंड थर्सडे यू कैन रिवाइज पेपर टू बिकॉज दैट इज वॉट इज गोइंग टू गेट यू थ्रू। सो ट्यूजडे एंड थर्सडे टू डेज एवरी वीक यू कैन कंप्लीटली फोकस ऑन एक्टिव रिविजन। ओके, एक्टिव रिविजन की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू रिवाइज एक्टिवली एंड यू आर गोइंग टू यूज इट वेल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नबार्ड अचीवर्स पे आते हैं, द एग्जामिनेशन विच इज द नियरेस्ट आउट ऑफ ऑल दीज थ्री। सो ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे यू आर गोइंग टू फोकस ऑन ARD, यहाँ से आप देख सकते हैं ARD, ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे। दिस videos, the sessions, live sessions have already started by Surat sir, और बहुत ही amazing live sessions हो रहे हैं, आप एक दो attend करें। YouTube पर भी मैं कुछ samples डालूंगा, you're going to be blown away कितने clarity से और कितने मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं इसको। Monday, Wednesday and Friday ESI पे focus करेंगे, तो आपका पूरा week कहीं ना कहीं book होगा। Monday, Wednesday, Friday, Tuesday, Saturday, Thursday, और टाइम भी है बुक करने का बिकॉज द एग्जामिनेशन इज नियर, सो आई वॉन्ट टू कवर एज मच एज पॉसिबल एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, बिकॉज द एग्जामिनेशन इज क्लोजर, सो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 hours डेली टू करेंट अफेयर्स। अब टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा, एग्जाम पास है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास टाइम नहीं है, यू हैव टू टेक आउट टाइम, जितना टाइम आप निकाल सकें, वेदर यू आर डूइंग इट यू नो एट द टाइम ऑफ योर लंच, वेदर यू आर स्टार्टिंग करेंट अफेयर्स व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, इट डजंट मैटर, यू हैव टू कवर व्हाट यू हैव टू कवर, उतना आपको करना ही पड़ेगा। ओके, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग और करेंट अफेयर्स, सॉरी कंप्यूटर अवेयरनेस, ये सारा क्वालिफाइंग है। सो वन पर डे इज मोर देन इनफ, मतलब एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाइए या एक वीक में एक सब्जेक्ट उठाइए, डू गिव इट ओनली वन कंप्लीट डे एंड एक बार में एक ही सब्जेक्ट उठाइए। लेट्स से मैंने क्वांट उठाया, आई गिव इट लेट्स से 3 days, तो मैंने 3 दिन लगा के जल्दी से क्वांट पूरा कर दिया। फिर मैंने रीजनिंग उठाया, 3 days उठा के पूरा कर दिया। हो सकता है यू माइट से क्वांट रीजनिंग तो नहीं हो सकता 3 दिन में, सो व्हाट डू आई डू एवरी डे लेट्स से 1 hour, ओके, क्वांट फॉर द नेक्स्ट 15 days, सो आफ्टर 15 days आई एम डन विद क्वांट, अगेन 1 hour पर डे फॉर रीजनिंग फॉर द नेक्स्ट 15 days। आपको इस तरह से करना ही पड़ेगा। अगेन वी आर कमिंग बैक टू द सेम साइकिल, नोटिफिकेशन से पहले पढ़ते नहीं हो तो नोटिफिकेशन के बाद कुछ नहीं होगा, तो नोटिफिकेशन इज गेटिंग क्लोजर डे बाय डे, द मोर यू कवर द बेटर यू विल बी प्लेस्ड व्हेन द नोटिफिकेशन कम्स। तो जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा पढ़ो, 6 महीने से पढ़ रहे होते तो प्रॉब्लम नहीं होती, पढ़ रहे हो ऑलरेडी 6 महीने से, यू वुड बी एट अ वेरी गुड प्लेस, बट इफ यू आर नॉट देन स्टार्ट नाउ। ओके, इट्स नेवर टू लेट, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। बिकॉज द एग्जामिनेशन इज क्लोजर यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग सेक्शनल टेस्ट्स, एक आपको पर वीक डे निकालना पड़ेगा, बोथ फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज आंसर राइटिंग, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है ना। और इंग्लिश राइटिंग भी आपको यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली, जैसे ही हम ESI के सेशन स्टार्ट करेंगे आई विल बी स्टार्टिंग विद इंग्लिश राइटिंग सेशंस ऑल्सो, 1 per week, और उन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेशंस में वील स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, फर्स्ट वील कवर सम एसेज, देन वील कवर सम writing tips for Prezi, then for comprehension, and then we'll start with regular writing sessions. तो ये सारी चीज़ें हम लोग start कर देंगे for English writing as well. Okay, I hope it is clear, I hope it is making sense. तो ये है हमारा पूरा schedule for students who are
प्रिपेयरिंग और थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग यूजिंग द लाइव कोर्स. आप लाइव कोर्स के अकॉर्डिंग ही चलोगे, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू, आई कैन गारंटी दैट. बिकॉज प्लान इस तरह से किया है, क्रिएट इस तरह से किया है कि आपका एग्जाम से पहले कोर्स भी पूरा हो जाए एंड यू आर एबल टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी दैट यू हैव बीन लुकिंग फॉर. बिकॉज दैट इज वन थिंग विच इज मिसिंग इन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन 90%+ ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर RBSEBI और NABARD. इट इज मिसिंग एंड इट्स मिसिंग बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट. यू वॉन्ट टू सिंप्लीफाई योर लाइफ by doing things that are important, by prioritizing your studies over other things. And the best way to do that is to study with me rather than finding your own time to discipline yourself and study. Just move along with me and my team, all the teachers here, and we'll try and make sure ki aapka majority coverage hamare saath hi ho jaye, aapko alag se na uthana pade. Active revision hai, that has to be made a part of your life because only you can do it. मैं आपके साथ बैठ के एक्टिव रिवीजन नहीं करा सकता, आपको खुद करना है, ठीक है ना. और आप कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग. एक्टिव रिवीजन की रिसेंटली एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाली है जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपको एक्टिव रिवीजन करना है. द एंटायर प्रोसेस यूजिंग एग्जाम्पल्स हैज़ बीन एक्सप्लेन टू यू. ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई एम वेरी वेरी श्योर दैट दीज स्केड्यूल्स एंड दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू, इंस्पायरिंग यू, taking you into the right direction so that you can be more successful, more happy, more peaceful tomorrow with your results. Okay, till then, I'll see you very, very soon. Till then, all the best, take care, bye bye, Jai Hind.